बहुत उसके अच्छे क्रीम्स भी आ गई हैं, जैसे एक तो सीरम है ना उसके साथ उसकी क्रीम्स भी अवेलेबल हैं, वो भी बड़ी अच्छी है। मैं तो मेकअप से पहले भी लगा रही हूं। जी बिल्कुल, राइस वाटर बहुत अच्छा है। राइस वाटर जो है वो कोरियंस की बहुत पुरानी रेसिपी है। वो राइस का वाटर बनाते थे खास तरीके से और उसको अप्लाई करते थे तो उनकी स्किन हमेशा अच्छी रहती थी। अब वो क्रीम फॉर्म्स में और सीरम फॉर्म्स में आ रहा है, तो ये जो कोरियन लाइन के प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप फिक्सर है ना, मैंने वो भी राइस वाटर से बनाया हुआ है। जी बिल्कुल, ये दो तीन चीज़ें जो नई आई हुई हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उसके अंदर मैंने ग्लिसरीन और थोड़ा सा मतलब जो राइस वाटर है वो निकाल के, अच्छा अब वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, 5 दिन के लिए फ्रिज में रखना पड़ता है। और जैसे आप रेगुलर कहीं जा रहे हैं तो वो बना के मैं उसके अंदर थोड़ा सा ग्लिसरीन और उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ये सब कुछ डाल देती हूँ, तो वो उसको मिक्स अच्छा सा करके तो स्प्रे कर लेती हूँ। मेरा इतना अच्छा मेकअप फिक्सर बन गया है, मैं आपको बता नहीं सकती क्या बात है। ये जो आपने टिप शेयर की है ना, ये बेस्ट टिप है, क्योंकि ग्लिसरीन और रोज वाटर तो वैसे ही हमारा बहुत पुराना टोटका है स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए, और एज अ टोनर भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि उसकी वो टोनर वाली प्रॉपर्टीज है ना, वो पोर्स को बंद कर देता है, आपकी स्किन को टाइट कर देता है। मुझे आपसे भी पूछना था कि वाइटनिंग का काम भी करता है, जैसे कुछ लोगों को बहुत शौक होता है कि थोड़ा सा वाइटनिंग इफेक्ट रहे मुंह पे। जी, लेमन यूज करना पड़ेगा। काफी अरसे से हम रेटिनॉल कर रहे थे कि रेटिनॉल लगाएं, एंटी एजिंग है, लेकिन फिर हमने देखा कि बहुत सारे लोग रेटिनॉल क्रीम्स भी लगा रहे हैं और सीरम्स भी लगा रहे हैं, और बहुत ब्रेकआउट भी आता है, स्किन बहुत इरिटेट हो जाती है, ड्राइनेस बहुत हो जाती है, सूरज में नहीं निकल सकते। इतनी तो पहले कभी नहीं होती थी जब कुछ नहीं लगाते थे। एग्जैक्टली, चूल्हे पे नहीं जा सकती खवातीन यार, मुंह ऐसा हो जाता है कि अपने ही आईने में देखने के काबिल नहीं होता। एग्जैक्टली, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी लेटेस्ट रिसर्च ये आ रही है कि रेटिनॉल हर एक के लिए नहीं है। ठीक अच्छा? है, हर एक के लिए नहीं है। हाँ, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अगर एक पर्सन लगा रहा है और उसकी स्किन इरिटेट हो रही है तो इसका मतलब है उसकी स्किन डैमेज हो रही है। ठीक अच्छा? है, तो उसको पेप्टाइड्स की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, पेप्टाइड्स जो हैं वो न्यू रेटिनॉल समझ लें कि वो भी एंटी एजिंग है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, आपकी स्किन का ख्याल रखते हैं, एंटी एजिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन बिल्कुल माइल्ड है, ऐसे लगते जैसे जस्ट मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है। इरिटेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल प्रोटीन पार्टिकल्स हैं और पेप्टाइड्स हैं। तो अब पेप्टाइड्स के सीरम्स या उसकी क्रीम्स अपनी डेली रूटीन में शामिल करें और देखें, जिन लोगों को रेटिनॉल से इरिटेशन होती है या जिनकी स्किन फट जाती है या स्केलिंग होना शुरू हो जाती है, रेड हो जाती है, तो पेप्टाइड्स की तरफ आएं। बल्कि मैं आपको बताऊं, नई भी होना शुरू होती है। देखिए, खवातीन तो किचन में जाना उनका ज़रूरी है, बच्चों को पिक करना ज़रूरी है, सन एक्सपोजर उनको करना ही है। तो फिर ये रेटिनॉल जो है, इसका मतलब ये स्किन को मजीद डैमेज की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि हमारा वेदर यहाँ पे हमारा उसके हिसाब से साथ नहीं दे रहा। और जो हमारे घर के मामलात हैं, हमारे काम के मामलात हैं, वो हमें अलाउ नहीं कर पाते, क्योंकि हम रात को रेटिनॉल लगा रहे होते हैं, सुबह उठते हैं हम चूल्हे पे जाते हैं, तो वो स्किन जो है ना, वो रात भर जो एक काम कर रही होती है अपने, उसके ऊपर सरफेस के ऊपर जो एक रेटिनॉल लगता है, वो चूल्हे पे जाके उधर बर्न कर देती है स्किन को। बिल्कुल, तो ना सनब्लॉक काम करता है ना कुछ। ये तो इसका मतलब है, अगर आपकी स्किन रेटिनॉल बिल्कुल बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, हम बिल्कुल भी इसको निगेट नहीं कर रहे, ठीक है, रेटिनॉल बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, उसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आपको सूट नहीं कर रहा तो आप मत लगाएं उसको, उसकी जगह पेप्टाइड्स पे आ जाएं, तो पेप्टाइड्स भी आपके लिए वही काम करेंगे जो कि रेटिनॉल करता है। तो ये एक नई चीज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा कि ये ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे बहुत इरीटेट हुए होते हैं कि क्या रेटिनॉल के अलावा कोई चीज़ नहीं है एंटी एजिंग जो हम लगा सकें, क्योंकि प्रोसीजर्स काफ़ी महंगे पड़ते हैं, तो कुछ एक लगाने वाली चीज़ बताएं जो कि एंटी एजिंग हो, जिसको हम रोज़ाना लगाएं और हमें इफ़ेक्ट्स भी बहुत अच्छे आएँ। तो पेप्टाइड्स इज़ द थिंग, पेप्टाइड्स लोग लगा रहे हैं। अभी हम स्नेल म्यूसिन की बात कर रहे थे, स्नेल म्यूसिन इज़ रियली गुड। स्नेल म्यूसिन अगर आपको एक्ने ब्रेकआउट नहीं दे रहा तो बहुत अच्छा आपकी स्किन को स्मूथ करता जाता है, खासतौर पर PRP माइक्रोनीडिंग के बाद मैं ज़रूर कहती हूँ कि स्नेल म्यूसिन का इस्तेमाल करें। तो बहुत अच्छे क्रीम्स भी आ गई हैं, जैसे एक तो सीरम है ना उसके साथ उसकी क्रीम्स भी अवेलेबल हैं, वो भी बड़ी अच्छी है, मैं तो मेकअप से पहले भी लगा रही हूं। जी बिल्कुल, राइस वाटर बहुत अच्छा है। राइस वाटर जो है वो कोरियंस की बहुत पुरानी रेसिपी है। वो राइस का वाटर बनाते थे खास तरीके से और उसको अप्लाई करते थे तो उनकी स्किन हमेशा अच्छी रहती थी। अब वो क्रीम फॉर्म्स में और सीरम फॉर्म्स में आ रहा है, तो ये जो कोरियन लाइन के प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप फिक्सर है ना, मैंने वो भी राइस वाटर से बनाया हुआ है। जी बिल्कुल, ये दो तीन चीज़ें जो नई आई हुई हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उसके अंदर मैंने ग्लिसरीन और थोड़ा सा मतलब जो राइस वाटर है वो निकाल के, अच्छा अब वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, 5 दिन के लिए फ्रिज में रखना पड़ता है। और जैसे आप रेगुलर कहीं जा रहे हैं तो वो बना के मैं उसके अंदर थोड़ा सा ग्लिसरीन और उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ये सब कुछ डाल देती हूँ, तो वो उसको मिक्स अच्छा सा करके तो स्प्रे कर लेती हूँ। मेरा इतना अच्छा मेकअप फिक्सर बन गया है, मैं आपको बता नहीं सकती क्या बात है। ये जो आपने टिप शेयर की है ना, ये बेस्ट टिप है, क्योंकि
ग्लिसरीन और रोज वाटर तो वैसे ही हमारा बहुत पुराना टोटका है स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए, और एज अ टोनर भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि उसकी वो टोनर वाली प्रॉपर्टीज है ना, वो पोर्स को बंद कर देता है, आपकी स्किन को टाइट कर देता है। मुझे आपसे भी पूछना था कि व्हाइटनिंग का काम भी करता है, जैसे कुछ लोगों को बहुत शौक होता है कि थोड़ा सा व्हाइटनिंग इफेक्ट रहे मुंह पे, जी उसमें आपको थोड़ा सा लेमन लेमन यूज करना पड़ेगा उसके लिए, फिर लेमन यूज करना, लेमन का थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब 1 to 2 teaspoon आप उसमें डाल सकते हैं। अच्छा, पूरा उसमें, जैसे इतनी बड़ी बॉटल है तो 2 उसमें 1 to 2 लेमन आप स्क्वीज कर लें, या 1 to 2 tablespoons कर लें, तो उसको हम लेमन की भी दो चीजें वो भी बता दें क्लियर, ताकि जो सुन रहे हैं, एक वो छोटे आती है नींबू एक ग्रीन कलर की, एक आती है वो बड़े लेमन येलो कलर के, व्हिच वन इज, अच्छा दोनों ही लेमन है, जो हमारा ग्रीन कलर का है वो देसी लेमन है, और जो हमारा वो आ रहा है वो उसे हम कहेंगे कि हाइब्रिड है या फार्मिंग से आया है, न्यू हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से आया है, तो दोनों ही लेमन है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा। बस वो खट्टी का इस्तेमाल नहीं करना, एक छोटी छोटी खट्टियाँ भी आती हैं और इनसे कलर की, वो इस्तेमाल नहीं करनी, लेमन ही होना चाहिए, चाहे छोटे साइज का हो चाहे बड़े साइज का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं वो जो सूडो क्रीम होती है ना, तो मैं भी बच्ची की नैपी वाले टाइम पे इस्तेमाल कर लिया करती थी अपने गालों पे ना, तो बड़े गाल मेरे पिंक पिंक साफ वाइट, जैसे बिल्कुल ही सॉफ्ट नरम मुलायम भी हो जाते थे। तो कुछ लोगों के हाथ पैर बहुत डार्क होते हैं, तो क्या वो अपने हाथों पैरों पे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चेहरे पे इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलर? जी बिल्कुल। अच्छा, सूडो क्रीम के जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है ना, वो है जिंक। जिंक जो है हमारी स्किन के लिए इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती जिंक के क्या क्या फ़ायदे हैं। जिंक आपके पोर्स को ख़त्म करता है, आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, आपकी रंगत को साफ़ करता है, और जिंक जो है वो सनस्क्रीन का भी काम करता है। लेकिन इसका एक जो बहुत अच्छा हैक है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ सबसे, वो ये है कि पाँव की जो सख्तपन है, या पाँव अगर आपके थोड़े से डार्क हैं बाकी बॉडी स्किन टाइप से आपकी, तो उसका एक बहुत अच्छा हैक है, अगर आप इसको डेली रात को करेंगे तो मेरा ख्याल है कि अगले दिन से ही आपके पाँव बिल्कुल वाइट सॉफ्ट नरम मुलायम हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने पाँव अच्छे से किसी स्क्रबर से, जैसे भी आप पाँव को साफ करते हैं, झावा ले लें और थोड़ा सा साबुन लगा, ऊपर का सरफेस भी और नीचे का, नीचे का खासतौर पे नीचे का, हल्का सा ऊपर का भी करेंगे। अच्छा, ठीक है। किसी भी स्क्रबर से, आप स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, आप झावा भी, आप अपना लूफा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से क्लियर कर लें। और उसके बाद क्लिंग फिल्म होती है, एक वाइट केरोसिन ऑयल की फिल्म होती है, जिसे हम अपने डोंगे ढांकते हैं जी किचन में, किचन में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, तो वो ले लें साथ। अपने पाँव के ऊपर आपने ज़्यादा सारी सूडो क्रीम लेनी है, हाथ के ऊपर और पाँव के ऊपर लगा लेनी है, नीचे भी सारा और ऊपर भी, ठीक है, दोनों सरफेसेस के ऊपर, और फिर क्लिंग फिल्म से उसको जैसे मास्क है, मास्क की तरीके के लिए बनानी है, या बस उसको मसाज करनी है और मल देना है? नहीं नहीं, मसाज नहीं करना। अच्छा, आपने उसके ऊपर नजर आनी चाहिए वाइट लेयर। अच्छा, लगी हुई आपको पतली मास्क वाली लेयर लगानी, पतली मास्क वाली लेयर लगा लें ऊपर नीचे, खासतौर पर एड़ियों वाली जगह पे, जहाँ पे आपको लगता है थोड़ी सख्ती ज्यादा है, जी जी, तो वहां पे लगा लें। और उसके बाद रैप कर लें, रैप करके उसे ओवरनाइट उसी शीट से पहले आपने क्रीम लगाई, फिर शीट को नीचे रखा हुआ था ना, वो आपने रैप कर दिया। अच्छा, ठीक है। अब रैप करके आपने ओवरनाइट उसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। अगर गर्मियों में आप इसको नहीं कर सकते तो सर्दियों में बड़ा बेस्ट तरीका है कि आप इसको रैप करके ओवरनाइट ऊपर से अपना मोजा चढ़ा लें, और पैर दोनों, हाथ और पैर दोनों। अच्छा, ठीक है। और सर्दियां हैं तो मोजा चढ़ा लें, ताकि वो वहीं पे रहे और खिसके नहीं इधर उधर। तो आप देखेंगे कि वेरी नेक्स्ट डे आपके पाँव बिल्कुल नरम मुलायम, सख्ती खत्म हो चुकी होगी, उनका कलर एकदम से चेंज हो जाएगा, और आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसे लॉन्ग टर्म करते रहोगे। आपको मेरी शक्ल बता रही होगी कि मैं कितनी इंप्रेस हुई इस बात से, और मैं अभी जाते ही साथ ही हरकत करने लगी। जी बिल्कुल, ये ज़रूर करें। और सूडो क्रीम हर घर में होती है, जिस घर में बच्चे कभी थे और या हैं वहाँ पर सूडो क्रीम ज़रूर होती है। इसको आप नैपी रैश के लिए इस्तेमाल करते हैं। इतनी जल्दी आ रही है, मगर कितने झटे पर ये तो मैं जाकर इस्तेमाल करने लगी, क्योंकि मैं खुद अपने तो पहले से इतनी परेशान हूँ, यकीन कीजिए, बाकियों का मुझे नहीं पता, मगर मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ डार्क होती है, मेरी ये पोर्स डार्क हो जाती है, क्योंकि आई कुक माई सेल्फ, तो मुझे कुकिंग की वजह से मुझे हीट पड़ती है, सबसे ज़्यादा डार्क हो जाता है मेरे। ड्राई बॉडी है, ड्राई बॉडी की वजह से मेरे पाँव का जो ये ऊपर वाला सर्फेस है ये डार्क हो जाता है, ओपन सैंडल्स पहनने की वजह से भी एंड ऑल दैट। तो मैं बताऊँ, ये इतनी झकास टिप आज उन्होंने दे दी है, ट्राई दिस आउट। और आपने एक टिप, मैंने जैसे उन्होंने कहा ना कि जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो नेक्स्ट डे ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, तो चीज़ वही बतानी चाहिए जिसके कोई नुकसान ना हो। जैसे आपने अभी इतनी अच्छी हमें टिप बताई है, सॉफ्ट हो जाएंगे पाँव, खूबसूरत हो जाएंगे, नरम मुलायम हो जाएंगे, हसीन हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि जो आपका पाँव का ऊपर का और नीचे का जो सर्फेस हार्ड हो जाता है एज़ पर डॉक्टर कंजा के, वो सॉफ्ट एंड मुलायम हो जाएगा। सो दैट्स वॉट आई वॉन्ट। तो मैं चाहती हूँ मेरे हाथ पर फलाल जैसे हो जाएँ। मिलती हूँ आपको कल के शो में। आप अपना जो है ना ये तैयारी कीजिए, आज सूडो क्रीम लेकर आइए और लगाइए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। झिंका 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 कह रही है।